मेरे प्यारे बाबू लोग गुड मॉर्निंग और आप लोग को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको लोग को मालूम होना चाहिए कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए हुए हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट बता रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट में यही है कि अगर कोई फार्मूला दिया हुआ है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, अगर कोई नाम दिया हुआ हो तो उसकी फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आपको वैलेंसी यानी संयोजकता याद रखना होगा। तो जितनी संयोजकता, किसका किसका संयोजकता याद रखना है और कौन कौन सी ऋणात्मक मूलक का सूत्र याद रखना है, सारा चीज हम आपको लिखा दिए थे। एक दिन क्लास में हम प्रैक्टिस भी किए थे कि फार्मूला दिया हुआ हो इसका नाम कैसे होना चाहिए, है ना। तो उसमें थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि कॉपर की संयोजकता 1 और 2 होता है, कॉपर की संयोजकता 1 और 2 होता है। अगर मान लिया जाए कि कॉपर की, बढ़िया से समझो मेरे भाई, कॉपर की संयोजकता 1 और 2 होता है। अगर आप संयोजकता 1 यूज करते हैं तो वहां पर Cu को पढ़ेंगे क्यूपरस, अगर संयोजकता 2 यूज करते हैं तो वहां पर Cu को पढ़ेंगे क्यूपरी। कोई दिक्कत है मेरे भाई? तो ये सारी चीज हम आपको समझा दिए हैं। आइए आज हम लोग नाम दिया हुआ, कोई नेम दिया हुआ हो तो कैसे उसकी अणुसूत्र लिखेंगे, कैसे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे। तो आइए इस पर चलते हैं बाबू, चलिए प्रैक्टिस किया जाता, सारा चीज आपको बताया हुआ। क्या बाबू पोटेशियम, हिंदी चल पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट हिंदी में लिखते हैं बउआ। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। चलिए तो आप कैसे पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र लिखेंगे, चलिए लिखाने के लिए तरीका समझाते हैं। चलिए पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र देखो। तो पहला बताओ, पहला भाग पोटेशियम है, यहां पर अगर नाम दिया हुआ हो, अगर नाम दिया हुआ हो तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, यहां पर आपका महत्व यह देता है कि उन सभी का आपको वैलेंसी याद रखना है, कुछ तत्व का संकेत याद रखना है, कुछ ऋणात्मक मूलक का सूत्र याद रखना है। तो आइए पहला भाग आपका क्या है पहले बताओ बाबू, पहला भाग पोटेशियम है तो पोटेशियम का संकेत के होता है। तो याद करो कि पोटेशियम की संयोजकता 1 होता है, ये सारा चीज याद करो, पहले क्लास में बताए थे। पहला भाग पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत के जिसकी संयोजकता 1 होता है। दूसरा भाग बोलो, दूसरा भाग पर मैग्नेट, तो पहले पर मैग्नेट का सूत्र बताओ, पर मैग्नेट का सूत्र होता है MnO4 जिसकी संयोजकता क्या है 1 है। तो पोटेशियम का भी 1 होता है, MnO4 का भी 1 होता है। तो याद करो कि जब दो भाग आपस में मिलता है, जब दो मूलक, तो पहला मूलक पोटेशियम है, दूसरा मूलक पर मैग्नेट है, तो जब दो मूलक आपस में मिलता है तो अपनी संयोजकता को आदान प्रदान करता है, मान ये दे देगा इसको और ये देगा इसको, तो बता बाबू इसकी संयोजकता कितना है 1। तो ई चला जाएगा इसके पास और ई चला जाएगा इसके पास, तो के भी 1 होगा और MnO4 भी 1 होगा, माने K को भी 1 लिखना है और MnO4 को भी 1 क्यों लिखना है। तो आइए पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र चलते हैं, K 1, MnO4 भी 1 हो, तो क्या हो गया MnO4
यानी बताओ मेरे भाई, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र KMnO4, KMnO4 याद हुआ? कोई पूछेगा कि पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र बोलो, तो KMnO4, KMnO4 का नाम बताओ, तो पोटेशियम पर मैग्नेट, इसी को व्यवहारिक नाम लाल दावा, याद रखिएगा, इसी का व्यापारिक नाम है लाल दावा, याद रहेगा। कोई पूछेगा कि पोटेशियम पर मैग्नेट का व्यावसायिक नाम, सुन बढ़िया से, ऑब्जेक्टिव पूछता है, पोटेशियम पर मैग्नेट का व्यावसायिक नाम बोलो तो लाल दावा, लाल दावा का रासायनिक नाम बोलो तो पोटेशियम पर मैग्नेट, याद हो रहा है, सुनिए ऑब्जेक्टिव, पोटेशियम पर मैग्नेट का व्यापारिक नाम लाल दावा, लाल दावा का रासायनिक नाम पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र बोलो KMnO4, लाल दावा का सूत्र बोलो KMnO4, याद रहा, क्या क्वेश्चन कई तरह से पूछेगा, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र तो KMnO4 याद हुआ, पोटेशियम पर मैग्नेट का व्यापारिक नाम तो लाल दावा, लाल दावा का सूत्र बोलो तो KMnO4। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे चलिए दूसरा, पोटेशियम नाइट्रेट, हिंदी लिखते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, चलिए चलिए पोटेशियम नाइट्रेट का पहला बताओ भाव, पहला भाग को चीज पोटेशियम, पहला भाग क्या है पोटेशियम, तो पोटेशियम का संकेत के, जिसकी संयोजकता बताए हैं बन, पीछे क्या है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3, जिसका संयोजकता भी क्या है बन है, जब ये दोनों मूल्य आपस में आधान आपस में मिलेगा तो अपनी संयोजकता को आदान प्रदान करेगा, माने NO3 इसको दे देगा, मान ई भाग इसको देगा और ई भाग इसको देगा, तो बोल के होगा वन, NO3 भी क्या होगा वन, के गो वन, NO3 भी वन, तो बताओ सूत्र क्या होगा, बोला जाए के एगो एगो लिख दो, NO3 भी एक ही गो एगो लिख दो। अब आपसे कोई पूछे कि पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बोलो तो KNO3, या कोई पूछ दे KNO3 का नाम बोलो तो पोटेशियम नाइट्रेट, इसी का व्यापारिक नाम है सोरा, क्या सोरा। कोई आपसे पूछे लाल दावा का, लाल दावा का रासायनिक नाम तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का व्यापारिक नाम लाल दावा, लाल दावा का सूत्र क्या होता है तो KMnO4। चलिए पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बोलो KNO3, जिसका व्यापारिक नाम क्या होता है सोरा, सोरा का सूत्र बोलो KNO3, लाल दावा का सूत्र बोलो KMnO4, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते दोस्त, चले दोस्त फॉर्मूला लिखने आरंभ हुआ, कोई दिक्कत। चलिए तीसरा लिख रहे बउआ, तीसरा बाबू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, चलिए इसको पहले हिंदी लिखने दिए, हाइड्रोजन क्लोराइड,
चलिए भाई, पहला भाग बोलो हाइड्रोजन, संकेत क्या होगा एच, सूत्र क्या, संयोजकता क्या होगा वन। पहला भाग हाइड्रोजन जिसका संकेत एच, संयोजकता वन, बढ़िया से बोलो। क्लोराइड कहने से क्लोरीन का बोध होता है, क्लोराइड कहने से क्लोरीन का बोध होता है, और क्लोरीन की संयोजकता वन। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो अपनी संयोजकता आदान प्रदान, ये देगा इसको ये देगा इसको, तो एच क्या होगा एगो, सीएल क्या होगा एगो, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड एच क्या हो एगो, सीएल भी एगो। अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बोलो तो क्या बोलेंगे HCl, HCl का नाम बोलो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो बताओ हाइड्रोजन क्लोराइड को ही व्यापारिक नाम है हाइड्रो, पढ़े होंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का व्यापारिक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए इसको व्यापारिक नाम क्या दोस्त, हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए बढ़िया से सुना जाए, एसम ए जो पढ़ा रहे हैं एग्जाम में किसी न किसी रूप में एक नंबर का रहता क्वेश्चन। कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड का व्यापारिक नाम बोलो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक है। बढ़िया से सुन, अगर पूछे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का व्यापारिक नाम तो क्या बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम तो क्या बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। याद हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड का व्यापारिक नाम तो क्या होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर पूछे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम तो क्या होना चाहिए हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका सूत्र क्या होगा HCl। बता दे फटाफट बोलो, लाल दावा का रासायनिक नाम तो क्या बोलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, सोडा का रासायनिक नाम तो क्या बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम तो हाइड्रोजन क्लोराइड। आप देखिए एक बोर्ड पर आई और इसी को आगे बढ़ाते हैं, आप एक नजर इसको देखिए, हाँ दोस्तों चलिए लेड सल्फाइड हम दोनों चीज लिख रहे हैं, अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं, अगर किसको अंग्रेजी नहीं पढ़े आता तो हिंदी भी लिख रहे हैं। चलिए आइए लेड सल्फाइड, चलिए हिंदी देखिए लेड सल्फाइड, आइए लेड सल्फाइड का हम सूत्र लिखते हैं। तो बोलिए पहला भाग लेड है, लेड तो लेड का संकेत होता पीबी है ना, जिसकी संयोजकता होता है दो। दूसरा भाग है सल्फाइड, तो सल्फाइड का मूल शब्द होता सल्फर, जिस तरह से ऑक्साइड का मूल शब्द ऑक्सीजन, क्लोराइड का मूल शब्द क्लोरीन, फ्लोराइड का मूल शब्द फ्लोरीन, तो सल्फाइड का मूल शब्द सल्फर, सल्फर का संकेत एस, जिसकी संयोजकता बताए हैं तो, दो दो कट गया। दो दो कटने का मतलब समझ में आया कि बता, दो दो कटने का मतलब कि यहां पर दो से भाग दिए, यहां पर भी दो से भाग दिए, दो एक आए दो माने दो में दो से भाग देंगे एक, इधर भी दो में दो से भाग देंगे एक, माने दो दो कटने का मतलब कि दोनों तरफ दो दो से भाग दिए, यानी पीबी का भी आइटम एगो और सल्फर का भी आइटम एगो, माने पीबी का भी परमाणु एगो सल्फर का भी परमाणु एगो। तो हम आपको बताएंगे कि जब दो मूलक आपस में मिलता है तो अपनी संयोजकता को दान प्रदान, यानी पीबी क्या होगा एगो, एस भी क्या होगा एगो, बोलिए पीबी एगो आई एस भी एगो। कोई दिक्कत, अगर आपसे कोई पूछे कि लेड सल्फाइड का सूत्र बताओ तो PbS, तो लेड सल्फाइड को ही व्यापारिक नाम माने कॉमर्शियल नेम
होता गलेना, याद रखिएगा गलेना, एग्जाम में पूछित रहता है। गलेना का सूत्र होता है PbS, गलेना का रासायनिक नाम होता है लेड सल्फाइड। सुन बढ़िया से, गलेना का रासायनिक सूत्र PbS, गलेना का रासायनिक सूत्र लेड सल्फाइड। उलट के पूछेगा, लेड सल्फाइड का व्यापारिक नाम गलेना, लेड सल्फाइड का सूत्र बोलो PbS। कोई दिक्कत, ले गलेना का सूत्र बोलो PbS, गलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड का व्यापारिक नाम गलेना। कोई दिक्कत है दोस्त, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। पांचवा देखा जाए बाबू, मर्क्यूरी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। चलिए लिखते इसको बाबू, मर्क्यूरी सल्फाइड। चलिए बढ़िया से समझिए, अगला भाग क्या है? मर्क्यूरिक, याद करो पहला क्लास में लिखोगे, मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक कहने से मरकरी का बोध होता। दोस्त मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक कहने से मरकरी का बोध होता है। जहां पर अस है वहां पर संयोजकता एक लिखेंगे, जहां पर इक है वहां पर संयोजकता दो लिखेंगे। बढ़िया समझो, मर्क्यूरस या मर्क्यूरी कहने से मरकरी का बोध होता है जिसका संकेत HG है। अस का बोध होने पर संयोजकता 1, इक का बोध होने पर संयोजकता 2। तब बोला जाए मेरे भाई पहला भाग क्या है? मर्क्यूरिक है, मर्क्यूरिक कहने से मरकरी का बोध होता है, मरकरी का संकेत HG होता है। तो HG का 2 संयोजकता, ये वो 1 होता है, ये वो 2 होता है, अस रहने पर 1 और इक रहने पर 2। यहां पर पहुंचे बाबू बोल, मर्क्यूरिक माने एक है, यहां पर संयोजकता लिखेंगे 2। अब आइए सल्फाइड का मूल शब्द क्या होता है? सल्फर, सल्फर का संकेत क्या होगा? S, S की संयोजकता 2, 2 कट गया, यानी HB, HG, HG भी एगो होगा और S भी एगो होगा। तो बोल मर्क्यूरिक सल्फाइड का सूत्र है HgS, इसी को हम कहते हैं सीने वार। याद हुआ? बोला जाए सब याद रखना, गलेना का सूत्र बोलो PbS, सीने वार का सूत्र बोलो HgS, लाल दावा का सूत्र बोलो KMnO4, सोरा का सूत्र बोलो KNO3। यानी इंपोर्टेंट समय, लाल दावा का सूत्र KMnO4, सोरा का सूत्र KNO3, है ना, गलेना का सूत्र PbS, सीने वाल का सूत्र HgS। अगर कोई पूछ दे गलेना का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो क्या बताएंगे? लेड सल्फाइड। सीने वाल का रासायनिक सूत्र बताओ तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते बढ़ते हैं। बढ़ते हैं दोस्त मेरे भाई, आइए बढ़े, देखा जाए तो बउआ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लिखते हैं, सोडियम हाइड्रो हाइड्रोऑक्साइड। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखते हैं बउआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बोलो सोडियम का संकेत N, संयोजकता 1, हाइड्रोक्साइड का सूत्र बोलो OH,
संयोजक का क्या बताए हैं? एक। तो जब दो मूलक आपस में मिलता है तो अपनी संयोजकता का, अपनी वायलेंसी का आदान प्रदान करता है, तो OH दे देगा इसको, NA देगा इसको, तो NA भी एगो OH भी एगो, तो बोलो भाई कास्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? NA एगो OH भी एगो। बोलिए जरा बढ़िया से बोला जाए बाबू, बोलो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? NaOH। इसी को व्यापारिक नाम कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या मेरे भाई? कास्टिक कास्टिक सोडा याद रखना है बउआ। कास्टिक सोडा का सूत्र बोलो तो NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है तो क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का सूत्र बोलो NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बोलो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम होता है तो कास्टिक सोडा होता है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे दोस्त आगे देखा जाए। जैसे सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड आइए फॉर्मूला लिखते हैं बाबू। सोडियम का संकेत Na, संयोजकता 1, क्लोराइड बना। क्लोराइड का मूल शब्द होता है क्लोरीन, संकेत Cl और संयोजकता 1। सारा चीज बताया हुआ है। जब ये दोनों मिलेगा तो अपनी वायलेंसी का, अपनी संयोजकता का दान प्रदान करेगा। सीएल दे देगा इसको, ई दे देगा इसको, तो NA भी एगो होगा, सीएल भी एगो होगा, तो क्या कहेंगे बाबू बताओ बढ़िया से? NaCl व्यापारिक नाम सुनो, साधारण नामक या यहां पर साधारण नामक न करके लवण भी खा सकते। देख लेते एक बार, दिखाई कट तो ना रहा बुआ, कट रहा है दोस्त, कट रहा है देखिए। आइए तो इसको मिटाते हैं बुआ, इस चीजवा को यहां पर लिखते हैं, साधारण नमक ना करके लवण। आइए तो ऑब्जेक्टिव सुना जाए बढ़िया से। अगर कोई पूछे कि सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम होता है तो आंसर बोलेंगे साधारण नमक या साधारण लवण। याद हुआ? सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम होता है तो आंसर देंगे साधारण नमक या साधारण लवण। या आपसे कोई पूछ दे कि साधारण नमक या साधारण लवण का रासायनिक नाम होता है तो क्या बताओगे? सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का सूत्र होता है तो NaCl। एक नजर आप बोर्ड पर देखे बउआ, बाबू आगे देखिए सातवां देखा जाए। कैल्शियम कार्बो कैल्शियम कार्बोनेट का हमको सूत्र लिखना है मेरे भाई।
कैसे कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखते हैं, आइए जा यहां से समझा जाए। पहला भाग कैल्शियम है, तो कैल्शियम का संकेत बोलो सी है, जिसकी संयोजकता हम बताएं दो, सारा चीज हम बता चुके हैं। दूसरा भाग है कार्बोनेट, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का सूत्र होता है मेरे भाई CO, CO3, याद करके बताओ कि कार्बोनेट का हम संयोजकता बताएं दो, तो बताओ दो दो कर जाएगा, माने दो एकाएं दो, दो एकाएं दो, कटने का मतलब कि दोनों तरफ दो से हम भाग देते हैं, इसका मतलब कि कैल्शियम भी एगो होगा और CO3 भी एगो होगा, तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है कैल्शियम भी एगो, CO3 भी एगो। चलिए अब आइए इसका व्यापारिक नाम बहुत सा है, याद किया जाए, व्यापारिक नाम बहुत सा है, इसी को कहो संगमरमर, संगमरमर अंग्रेजी में कहते मार्बल, मार्बल अंग्रेजी वर्ड भाव। चलिए इसी को कहिए चौक, चलिए इसी को कहिए खड़िया, खड़िया इसी को कहिए मूर्ति पत्थर, मूर्ति पत्थर, चलिए मूर्ति पत्थर इसी को कहिए अंग्रेजी में कैल्शियम, चलो बाबू इसी को कहिए चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर का अंग्रेजी होता है, चूना पत्थर का अंग्रेजी, इसको और इधर से लिखते हैं बउआ, इधर से लिखते हैं चूना पत्थर का अंग्रेजी होता है लाइम, लाइम स्टोन, चूना पत्थर का अंग्रेजी वर्ड लाइम स्टोन होता है, इतना इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे तो पूछे है, देख मेरे भाई, चाहे तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछे, चाहे तो संगमरमर का पूछे, चाहे तो मार्बल का पूछे, चाहे तो चौक का पूछे, चाहे तो खड़िया का पूछे, चाहे तो मूर्ति पत्थर का पूछे, चाहे तो चूना पत्थर का पूछे, चाहे तो लाइम स्टोन, इतना नाम है और कहीं पर कोई भी शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, लाइम स्टोन या चूना पत्थर या मूर्ति पत्थर या खड़िया या चौक या संगमरमर या मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट, सबका सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, CaCO3 होता है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकता मेरे भाई, पूछेगा चूना पत्थर ज्यादा वर्ड इस्तेमाल करेगा ये वाला, चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम होता है चूना पत्थर, कि फिर पूछेगा कई नाम है मेरे भाई, चौक का सूत्र बोलो CaCO3, लाइम स्टोन का सूत्र बोलो CaCO3, मूर्ति पत्थर का सूत्र बोलो CaCO3, संगमरमर का सूत्र बोलो CaCO3, मार्बल का सूत्र बोलो, यानी इतना का सूत्र एक ही है, चाहे तो कैल्शियम कार्बोनेट हो, संगमरमर हो, मार्बल हो, चौक हो, खड़िया हो, मूर्ति पत्थर हो, लाइम स्टोन हो, चूना पत्थर हो, सबका सूत्र CaCO3 होता है, तो एक बात याद कर लेना है कि जिसका सूत्र होता है वह यौगिक का उदाहरण होता है, जिसका सूत्र होता है वह यौगिक का उदाहरण होता है, तो बताओ मेरे भाई ये सारा चीज किसका उदाहरण है, कंपाउंड का, मतलब यौगिक का। आपसे एग्जाम में पूछा, कोई कॉम्पिटेटिव में पूछा कि खड़िया क्या है, तत्व भाई की यौगिक है कि मिश्रण है, तो खड़िया क्या है बाबू, यौगिक, चाहे तो पूछे संगमरमर हो, मार्बल हो, चौक हो, खड़िया हो, मूर्ति पत्थर, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, सब किसका उदाहरण, यौगिक,
सब देख ही नाम है जी, चौक क्या है तो योगी, खड़िया क्या है तो योगी, मूर्ति पत्थर क्या है तो योगी, चूना पत्थर क्या है तो योगी, चूना पत्थर का अंग्रेजी वर्ड होता है लाइमस्टोन। कोई दिक्कत है, एक बार सुना जाए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम होता है तो चूना पत्थर। चौक क्या है जी तो यौगिक है, खड़िया क्या है जी तो यौगिक है, चौक का सूत्र बोलो CO3। मतलब कि एक एक चीज बात को कई बार घुमाता है। तो ये था आपका बाबू, ये था कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसमें चार चैप्टर है, पहला चैप्टर का एक कंसेप्ट था, इसको बढ़िया सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कल से हम लोग विविध पढ़ाएंगे, विविध जो पढ़ाएंगे ना तो उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई भी कंपटीशन रहेगा उसमें एक नंबर, चाहे तो 12th क्लास का रहे या रेलवे का रहे, उससे एक नंबर या दो नंबर पूछित रहता है। तो कल विविध पढ़ाएंगे, विविध पढ़ाने के बाद आपका हम पहला चैप्टर शुरू कर देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों।